हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जी एस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पर। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 131। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 131 है, 131। इस पर बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग। यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, कुछ क्वेश्चन आपके रिविजन्स के लिए हैं और कई सारे क्वेश्चन आपके लिए नए होंगे जिन पे आप ज़्यादा अच्छी जानकारी मिलेगी आपको। और ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये ऑल स्टेट्स से जितने भी NHM एग्ज़ाम्स होते हैं, ऑल स्टेट CHO एग्ज़ाम्स, ANM स्टाफ नर्स, BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, ESIC, MPCHO, UPCHO, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, केरला, आसाम, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होंगे। जम्मू कश्मीर, पंजाब, सभी के लिए ये समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, अगर आपको अपना आंसर आए तो ज़रूर कमेंट करके अपने आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना को सुधार कर उसको किस योजना के नाम से शुरू किया गया? विच स्कीम वॉज स्टार्टेड बाई द रिफॉर्मिंग द नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम? क्या होगा इसका राइट आंसर? अगर आपको आंसर आए तो जरूर बताएं अपना आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या? ऑप्शन सी, जननी सुरक्षा योजना। राष्ट्रीय जो मातृत्व लाभ योजना है थी या पहले, इसको सुधार कर, इसमें मॉडिफिकेशन किया गया, मॉडिफाइड किया गया, इसको सुधार कर इस योजना का जो नाम रखा गया, उस योजना का नाम रखा गया जननी सुरक्षा योजना। और जननी सुरक्षा योजना जब नाम पड़ा इसका, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना का, तो 12 अप्रैल 2005 को कब पढ़ा? 12 अप्रैल 2005 को, 12 अप्रैल 2005 को पढ़ा। चलिए कुछ जानकारी एडिशनल ये ज़रूर समझ लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। वीडियो को आप स्किप ना करें, नहीं फिर आप स्किप हो सकते हैं इससे, ठीक है। यहाँ पर देखें, जननी सुरक्षा योजना जब लॉन्च किया गई थी तो इसका ईयर क्या था? 12 अप्रैल 2005 था, ठीक है। यहाँ पर ईयर्स मेंशन है, लॉन्चिंग ईयर, ओके। ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मतलब इसका ये होता है कि राज्य सरकार का इस पर कोई दायित्व तो नहीं होता, इसमें कोई भी सहायता नहीं देती। जितनी भी जो भी सहायता या राशि दी जाती है वो भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। और ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना, ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। कौन सी? JSY, जनरल सुरक्षा योजना। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना आप, समझे। अब जो क्वेश्चन है थोड़े आपके लिए अच्छे होंगे, अब ये पॉइंट समझे। एक आशा वर्कर जो होती है फ्रॉम द रूरल एरियाज गेट दी 600 रुपये पारती है, वेयर एज अ प्रेग्नेंट वुमेन्स इज प्रोमिस्ड ₹1400। जब क्या होता है, एक ग्रामीण क्षेत्र में जब कोई भी प्रसव कराया जाता है बाई आशा, आशा के द्वारा, तो जो प्रेग्नेंट वूमेन होती है उसे 1400 रुपये दिए जाते हैं और जो एक आशा होती है उसको 600 रुपये दिए जाते हैं। कितने रुपए दिए जाते हैं? 600 रुपये। ये आपसे एग्जाम्स में पूछ सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र, रूरल एरियाज या अर्बन एरियाज। क्वेश्चन में आपसे कंडीशन रखेगा, क्वेश्चन में आपसे कंडीशन रखेगा कि ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में क्या कंडीशन होती है, ठीक है। तो एक आशा जो होती है जब उसे ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी प्रसव कराती है या डिलीवरी कराती है, ठीक है, तो जो प्रेग्नेंट वूमेन होती है उसको 1400 रुपये दिए जाते हैं, जो आशा होती है उसे कितने दिए जाते हैं? आशा को 600 रुपये दिए जाते हैं। ये पॉइंट कहाँ के लिए? ग्रामीण क्षेत्र के लिए, मतलब रूरल एरियाज। रूरल एरियाज का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। तो इसके बारे में ध्यान रखिए, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए सभी पॉइंट। इफ़ द आशा वर्कर इज फ्रॉम द रूरल एरिया, सॉरी अर्बन एरियाज। यदि अर्बन एरियाज का मतलब होता है शहरी क्षेत्र से, यदि एक आशा शहरी क्षेत्र से आती है, द स्कीम ऑफर ₹400 एंड डी फॉर प्रेग्नेंट वुमेन द अमाउंट इज ₹1000। कितना? ₹1000। अगर आशा किसी का प्रसव कराने के लिए प्रेरित करती है या संस्थागत प्रसव कराने के लिए, JSY का जो उद्देश्य है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है JSY का जो उद्देश्य है, जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? संस्थागत प्रसव कराना। संस्थागत का मतलब ये होता है कि हॉस्पिटल में जाके प्रसव कराना, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, घरों में प्रसव होती है या डिलीवरी होती है। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और भी कई एरिया आते हैं जो कवर किए जाते हैं, वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, काफ़ी एरिया होते हैं जो कवर किए जाते हैं, ओके। तो इस पे जो एक अर्बन एरियाज होगा, अर्बन एरियाज में आशा को एक डिलीवरी पे कितने रुपए मिलेंगे? 400 रुपये मिलेंगे। शहरी क्षेत्र में, अर्बन इजकल टू लिख लें आप, शहरी क्षेत्र। क्या? शहरी क्षेत्र मतलब शहर में। और जो प्रेग्नेंट वूमेंट होगी, जो
महिला प्रेग्नेंट होगी जिसकी डिलीवरी होगी उसको 1000 रुपये दिए जाएंगे। किसके द्वारा दिए जाएंगे? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है ये 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इसमें जो पैसे या वित्त दिया जाता है ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, इस हिसाब से क्वेश्चन ध्यान दें सुने। एक जो आशा होती है शहरी क्षेत्र में, अगर वो डिलीवरी कराती या ऑफर करती है संस्थागत प्रसव कराने के लिए, तो उसे कितने रुपए दिए जाते हैं? तो उसे 400 रुपये दिए जाते हैं। कितने? एक डिलीवरी पर 400 रुपये दिए जाते हैं। और प्रेग्नेंट वुमेन को कितने दिए जाते हैं? उसे 1000 रुपये दिए जाते हैं। ओके, तो आपने देखा होगा गाँव में या शहरों में बहुत सी आशाएँ होती हैं जो क्या करती हैं, ये कार्य करती हैं। वो प्रेरित करती है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को या शहरी क्षेत्र की जो महिलाओं को जो इलिटरेट होती हैं या पढ़े लिखे नहीं होती है, मोस्टली ये सभी को जागरूक करती हैं ताकि उन लोग सभी लोग क्या करें, अस्पताल में जाके डिलीवरी कराएं। ओके, ये मोस्टली होता क्या है ग्रामीण क्षेत्रों में, ज़्यादातर क्या होता है घर में डिलीवरी होती है, तो इस वजह से इसको प्रेरित करना होता है। और जो मेन उद्देश्य होता है संस्थागत प्रसव कराना, और जो बाल मृत्यु दर है शिशु मृत्यु दर, ठीक है, बाल मृत्यु दर ये कहें या शिशु मृत्यु दर, इस मृत्यु दर को कम करना इसका उद्देश्य है। ओके, संस्थागत प्रसव कराना और बाल मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर को कम करना JSY का उद्देश्य है। शुरू कब की गई थी? 12 अप्रैल 2005 को। ये जितने पॉइंट बताए एक एक क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, ग्रामीण क्षेत्र रूरल और अर्बन एरिया शहरी क्षेत्र कहीं से भी क्वेश्चन कोई भी उठाया जा सकता है, इसलिए ध्यान रखें सभी पॉइंट पर। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 2। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लें फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर टू पे दिया गया कितनी जनसंख्या पर एक ब्लॉक स्थित होता है? हाउ मच पॉपुलेशन इज ब्लॉक लोकेटेड ऑन? क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करिए अपना आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्या एक लाख की पॉपुलेशन पर 1 लाख, ठीक है, तो आपको इस तरह भी लिखा मिल सकता है 1 लाख, ठीक है, तो 1 लाख की जनसंख्या पर एक ब्लॉक स्थित होता है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था एक जो ब्लॉक होता है वो लगभग कितने गांवों को कवर करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने बताया था जो एक ब्लॉक होता है, ठीक है, ब्लॉक के अंतर्गत कितने गाँव आते हैं, ये बिहार में पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार CHO में और एम्स उत्तराखंड में पूछा गया था ये क्वेश्चन, एम्स उत्तराखंड में पूछा गया था क्वेश्चन, जो एक ब्लॉक होता है ब्लॉक के अंतर्गत कितने गांव आते हैं, तो ठीक है ध्यान रख के आपको ये बताना है एक ब्लॉक के अंतर्गत कितने गांव आते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन था हमारा, यहां पर पूछा गया कितनी जनसंख्या पर एक ब्लॉक होता है, तो 1 लाख की जनसंख्या पर लगभग मोटी मोटी बात होती है, एवरेज आंसर लिया जाता है 1 लाख की जनसंख्या पर। जब भी क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए तो जो हम आंसर बता रहे हैं वही सही होगा, क्या 1 लाख की जनसंख्या पर। लेकिन जो अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो एक ब्लॉक होता है वो कितने गाँवों को कवर करता है या कितने गाँव पर एक ब्लॉक स्थापित होता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, जरूर सभी लोग कोशिश करें, पिछले वीडियो में हमने समझाया था इसे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर थ्री दिया गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा कितने उप स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया जाता है? हाउ मैनी सब हेल्थ सेंटर आर मॉनिटर्ड बाय द प्राइमरी हेल्थ सेंटर? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 6। कितने? 6। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को PHC कहा जाता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के द्वारा कितने सब सेंटर का निरीक्षण या मॉनिटर किए जाएंगे? कितने? 6 किए जाते हैं, 5 या 6 किए जाते हैं। कितने? 5 या 6। जब भी ऑप्शन में 6 हो तो आप बेहिचक आंसर मारेंगे, से 6, ठीक है, 6, ठीक है, तो ये आंसर सही माना जाएगा। अगर 5 भी दिया हो, पहली बात तो दिया नहीं जाता कभी, इस तरह का कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं उठाया जाता, ठीक है, 5 या 6 दोनों में से कोई एक दिया होगा, और मोस्टली क्या होता है 6 दिया जाता है, क्या 6, तो आप भी आंसर 6 मार्क करेंगे। बाय द वे मान लो कि किसी बेवकूफ़ ने पेपर बना दिया, 5 या 6 दोनों दे दिया, ठीक है, तो आप 6 को रिफ़र करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम नंबर लिया जाता है, ठीक है, तो आप 6 को रिफ़र करेंगे, मोस्टली कभी ये दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, बाय द वे मिल जाए तो आप 6 को बताएंगे। ओके, अब चलते हैं हम यहाँ पर देख लें कुछ पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 या 6 सब सेंटर मॉनिटर किए जाते हैं। ओके, लेकिन जो हमने समझाया डिटेल्स उस पर फोकस करना आप, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक जो PSC होती है, प्राइमरी हेल्थ केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, एस्टेब्लिश किया जाता है, कितनी पॉपुलेशन का कवर करता है? 30,000 पॉपुलेशन को कवर करता है प्लेन एरिया में, रूरल मतलब प्लेन एरिया में 30,000 जनसंख्या को कवर करेगा, और
20,000 जनसंख्या को कवर करेगा, पहाड़ी एरिया, ट्राइबल एरिया, आदिवासी एरिया या रेगिस्तानी एरिया या डेजर्ट एरिया में कवर करेगा। मोस्टली जब भी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो एक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या को कवर करता है, तो इस हिसाब से आंसर दिया जाता है जिस हिसाब से हम आपको लिख के बता रहे हैं, ठीक है, इस हिसाब से। तो देखिए 4 0 इधर 4 0 इधर, इसका मतलब 20,000 से 30,000 जनसंख्या को कवर करता है। एक बात और ध्यान दें जो अभी तक नहीं बताई, उस पर भी थोड़ा फोकस करें। कहा जाता है जो PHC होता है, एक जो PHC होता है, ये कहाँ स्थापित किया जाता है, ये कहाँ स्थापित किया जाता है, शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में? तब आप बताएंगे ये ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित होता है, ठीक। क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र का मतलब टाउन एरिया, ठीक है, कस्बा वाले जो एरिया होते हैं, टाउन एरिया, ये ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आप ये पॉइंट ध्यान रखना कि जो PHC स्थापित किया जाता है वो रूरल एरियाज में स्थापित किया जाता है। एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, इसे आप बताएंगे। एक जो CSC स्थापित किया जाता है ये कितनी पॉपुलेशन पर स्थापित किया जाता है, और बताएंगे ये कहाँ स्थापित किया जाता है, रूरल एरियाज में या अर्बन एरियाज। रूरल एरियाज का मतलब हमारा ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किया जाता है या शहरी क्षेत्र में, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ओके। तो समझ गए होंगे ये पॉइंट, जैसे हमने समझाए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया गया ASV इंजेक्शन कब दिया जाता है, व्हेन इज ASV इंजेक्शन गिवन, क्या होगा राइट आंसर, कमेंट करिए अपना आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्या? ऑप्शन सी, ऑन स्नेक बाइटिंग या सांप के काटने पर स्नेक बाइट्स। ASV इंजेक्शन तब दिया जाता है जब कोई सांप काट लेता है, या स्नेक के बाइटिंग पर या सांप के काटने पर दिया जाता है, ओके। अब यहाँ पर देख लें, ASV का पूरा नाम होता है एंटी स्नेक वेनम, सांप का जो विष होता है उसके विरुद्ध जो दिया जाता है उसी को ASV कहा जाता है, ठीक है। एक प्रकार का इंजेक्शन होता है, ये डॉक्टर्स के द्वारा दिया जाता है, ओके। कोई भी लोग इसे जनरली अपने हाथों से नहीं लगाना चाहिए, और ऐसी सलाह नहीं दी जाती लगाने के लिए, ठीक है। जब भी हो तो ये आप स्वास्थ्य केंद्र जाएं, वहाँ पर इसका इलाज करवा सकते हैं या इंजेक्शन ये लगवा सकते हैं। ASV इंजेक्शन होता है, ठीक है, जब भी सांप काटता है मोस्टली यही इंजेक्शन दिया जाता है और काफ़ी सफल माना जाता है, एंटी स्नेक वेनम, ठीक है। अगर ये लिख देते पूरा नाम तो आप आसानी से फाइंड कर लेते कि हाँ ये किस लिए दिया जाता है, ठीक है। तो मोस्टली ASV मिलता है एग्जाम्स में कि किस लिए दिया जाता है, तो सांप के काटने पर दिया जाता है या लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लें फिर अपना आंसर बताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंचायती राज प्रणाली की मुख्य कार्य इकाई क्या होती है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। आप इसे अच्छे से पढ़ लें क्वेश्चन को, फिर इसका आंसर बताएं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्या? ऑप्शन बी, ग्राम सभा। पंचायती राज प्रणाली की जो मुख्य इकाई होगी यहाँ, या मुख्य कार्य, मुख्य प्रणाली की मुख्य कार्य क्या होती है, यहाँ पर लिख लेना। पंचायती राज प्रणाली की मुख्य इकाई क्या होती है, यहाँ पर लिख लेना आप, मुख्य कार्य इकाई लिख लेना, या कार्य या इकाई क्या होती है। मोस्टली क्वेश्चन में विषय पूछा जाता है, जैसे हम बता रहे हैं आपको, पंचायती राज प्रणाली की मुख्य इकाई क्या होती है, या सबसे छोटी इकाई क्या होती है, आप बताएंगे ग्राम सभा। क्या? ग्राम सभा। ये कई एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ओके। अब इसके बाद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन पे भी ध्यान रखें, जो अब तक का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MCL नर्सिंग स्टाफ और भी अदर एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखें। कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, क्या होगा इसका राइट आंसर। आप यहाँ पर नंबर अगर आपको याद हो तो बताएं, इंग्लिश में नीचे मेंशन किया है थोड़ा सा, तो आप देख लेना वहाँ से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, क्या? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, मान्यता दिया गया है। क्वेश्चन में आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं समझना है, ठीक है, आपको वकालत नहीं करनी है इस पर, इस क्वेश्चन को जैसा बताया जा रहा है तैसा याद कर लेना है आपको, ठीक है। ये 73 अमेंडमेंट था, 73वां संविधान संशोधन था जिसके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को मान्यता दी गई या संवैधानिक मान्यता दी गई थी, ठीक है। और कब दी गई थी? 1992 में दी गई थी। कब? 1992 में दी गई थी। लागू कब से हुई थी? 1993 से, ठीक है। मोस्टली यही दिया जाता है ऑप्शन में कि कब दी गई थी, 1992 में दी गई थी। संवैधानिक मान्यता मतलब होता है संविधान के अनुसार इसे मान्यता दी गई थी। ये क्वेश्चन आप जैसे का तैसा याद कर लेना, ठीक। होता क्या है इस पर थोड़ा बता दें आपको,
ग्रामीण क्षेत्रों से रिलेटेड होता है, पंचायती राज संस्थाओं से, जो भी पंचायत की संस्थाएं होती है जैसे ग्राम सभा हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, इनके बारे में इस पर डिटेल से बताया गया है। जैसे प्रधानी के चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री वाले नहीं चुनाव, ठीक है, प्रधानी के चुनाव जो विलेज लेवल पे होते हैं ना, गांव लेवल पे, उनमें क्या होता है, इसी के अंतर्गत महिलाओं को सीटों का आरक्षण दिया गया है। और एससी एसटी और ओबीसी एंड जर्नल्स, जो भी कास्टिज्म होता है उसमें जात के आधार पर या पिछड़े के आधार पर या महिलाओं को आगे करने के लिए, महिलाओं का अच्छा दर्जा देने के लिए, उनमें क्या होता है, 1/3 सीटें, 1/3 या 1/3 सीटें या 33% जो सीटें होती हैं ये महिलाओं के लिए आरक्षित होती है पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से या 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से। ओके, ये पंचायती राज संस्थाओं में ये चीज़ें बताई गई हैं। ओके, ये ग्रामीण क्षेत्रों से रिलेटेड होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको, तो जिस तरह क्वेश्चन लिखा है ये बात लिख लेना। और इसमें महिलाओं को 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। आपने देखा होगा महिला सीट निकलती है, महिलाएं भी प्रधानी का चुनाव लड़ती हैं, तो इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, समय समय पर इसमें फेरबदल करती रहती है। और महिलाओं को जितनी भी सीटें हो गई, मतलब अब एक एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा समझ ही लें, ठीक है, जैसे मान लो कि एक राज्य में 100% सीटें हैं, कितनी, 100 सीटें हैं, 100 सीटों में जो महिलाओं को दी जाएंगी इसमें 33 सीटें महिलाओं की होंगी, 33, ठीक है, जो बचेंगी लगभग मान लो 67 बची, इसमें हर एक जात के लिए सीटें होंगी, कोई भी हो, ठीक है, ओबीसी जनरल एससी एसटी के लिए, सबके लिए होंगी। लेकिन जो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जिसमें केवल महिला प्रत्याशी उतारे जाएंगे, वो केवल 33 होंगी। ओके, जो इनके लिए आरक्षित होंगी, जिसमें इनको आरक्षण मिलेगा, ठीक है, ताकि महिलाओं की भागीदारी हो सके। अब यहाँ पर इंग्लिश में देख लें, वही बात लिखी है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्वेश्चन इंग्लिश में ट्रांसलेशन था, यहाँ पर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लें, यहाँ पर हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं को ले जा सकता है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ दी ऑक्सीजन कैन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी, क्या होगा राइट आंसर इसका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 4 मॉलिक्यूल्स को ले जा सकती है, कितने, 4 मॉलिक्यूल्स को, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कई बार बताया डिटेल्स में। यहाँ पर आप पढ़े क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन थोड़े इधर से ले लिए हमने क्योंकि बहुत पूछे जाते थे, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, विच विटामिन इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग, क्या होगा राइट आंसर इसका, ब्लड क्लोटिंग के लिए ऑप्शन सी, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन था और काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ओके, विटामिन के, रक्त का जो थक्का जमता है ना, ब्लड क्लोटिंग होता है, वो विटामिन के माध्यम से होता है, क्वेश्चन नंबर है। और हाँ, आप बताएं कमेंट बॉक्स में, सबसे ज़्यादा विटामिन के किस में पाया जाता है, मतलब कौन सी वेजिटेबल्स आप खाएंगे जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन के पाया जाएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया इसलिए हम भी पूछ रहे हैं। ओके, तो सभी लोग कोशिश करें बताने की। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है ना, 8 और 9, ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसलिए हम भी पूछ रहे हैं बहुत बार। ओके, तो इसलिए आप ध्यान रखें, इन्हें रट लें आप, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, घाव भरने के लिए जो विटामिन आवश्यक होता है वो विटामिन सी होता है, विच विटामिन इज हेल्पफुल इन हेलिंग द वुंड, विटामिन सी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 10, 10 नंबर पे दिया गया है, कशेरुक दंड वर्टिब्रल कॉलम की प्रथम अस्थि कौन सी होती है, ये कल हमने बताया था, आज आपको बताना है, क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्या, एटलस। मैंने बताया था कि जो प्रथम अस्थि होती है, प्रथम हड्डी होती है वर्टिब्रल कॉलम की, कशेरुक दंड हिंदी में कहा जाता है, मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी इस तरह होती है, इस तरह, ठीक है, ये आपकी खोपड़ी हो गई, यहाँ पर ये आपकी खोपड़ी हो गई, तो और ये इस तरह होती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हड्डी होती है, बोन होती है, उसे C1 कहा जाता है, और इसी को एटलस कहा जाता है, C1 को ही एटलस कहा जाता है, समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देख लें, वही बात मेंशन की गई है, लिखा है द एटलस इज द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री, इट इज नोन एज द C1, सर्वाइकल वर्टिब्री कहा जाता है। ओके, अब आपको बताना है जो सर्वाइकल वर्टिब्री होता है इनकी संख्या कितनी होती है, कल बताया था, आज आप बताएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 11, पढ़ लें फिर अपना आंसर बताएं। यहाँ पर लिखा है निम्न में से किस स्वास्थ्य कार्यकर्ता का चयन ICDS योजना के अंतर्गत किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ वर्कर एज सिलेक्टेड अंडर दी ICDS स्कीम, क्या होगा राइट आंसर इसका, बहुत बार बताया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। ओके, ICDS का भी स्थापित किया गया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, सभी हमने कई बार बताए हैं, अब आप कोशिश किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखा करें ताकि आपके माइंड में वो ज़्यादा दिन तक बना रहेगा। ओके,
लिखने से आपको चीज़ ज़्यादा दिन तक याद रहेगी, इसलिए आप हमेशा जब भी कोशिश करेंगे तो 100% कोशिश करेंगे लिखने की, ओके, कि आप राइट आंसर दें। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे पहाड़ी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या पर उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाती है। जो क्वेश्चन हम बताया करें कि आप बताएं, तो आप ऐसे हल्के में ना लें ये क्वेश्चन, ठीक है, बताया हमने कई बार है, लेकिन आप ज़रूर बताया करें, इससे आप एक्चुअल हो जाएंगे और ये क्वेश्चन पूछे गए होते हैं जिन्हें हम दोबारा कोशिश करते हैं आपके माध्यम से आंसर देने की, ओके। तो आप आंसर दिया करें इसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में, कोशिश किया करें पहले आप सॉल्व कर लिया करें, नहीं तो लास्ट में क्वेश्चन लिख लिया करें, लास्ट में आप सभी आंसर बताया करें कि हाँ ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी, ये तब लॉन्च हुई थी, इसका ये ईयर था, ये टाइमिंग थी, तो आप उसका कोशिश किया करें, इससे आपका फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा, ओके। और भी जो भी होंगे, जो लोग नहीं सर्च कर पाते, जो लोगों को नहीं पता होता, उन लोगों का भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, ओके, ताकि वो लोग भी और देखेंगे इसे और उनका भी बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, और खासकर जो लिखेगा उससे तो बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, ओके। पहाड़ी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या पर उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाती है। ऑन हाउ मच पॉपुलेशन इज द हिली रीजन इज अ सब हेल्थ सेंटर एस्टेब्लिश, क्या होगा राइट आंसर। पहाड़ी क्षेत्र लिखा है यहाँ पर, मेंशन किया है, ओके, अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्या ऑप्शन डी, 3000 की जनसंख्या पर जो पहाड़ी क्षेत्रों में एक सब सेंटर या सब हेल्थ सेंटर, हिंदी में कहेंगे उप स्वास्थ्य केंद्र, 3000 की जनसंख्या पर स्थापित किया जाता है, ओके। अब यहाँ पर देख ले जो पॉइंट पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जब आपसे कोई भी बात मेंशन ना हो तब आप 5000 बताएंगे, ठीक है। ये क्या होता है, प्लेन एरिया में, समतल एरिया में 5000 जनसंख्या को कवर करता है एक सब सेंटर या सब हेल्थ सेंटर, ठीक है, सब सेंटर या सब हेल्थ सेंटर दोनों मिल जाते हैं एग्जाम्स में, तो ध्यान रखें। तो 5000 की जनसंख्या को प्लेन एरिया में कवर करेगा और ट्राइबल हिली एरिया में 3000 जनसंख्या को कवर करेगा। मोस्टली ये जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो रेंज में पूछा जाता है, क्या ऐसे करके 3000 से 5000, तो ध्यान रखना है 3000 से 5000 जनसंख्या को कवर करता है कौन, एक सब हेल्थ सेंटर। क्वेश्चन नंबर आप 13 पढ़ लें फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सृजित स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद निम्न में से कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट हेल्थ वर्कर क्रिएटेड अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्या आशा, जो एनआरएचएम मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत एक जो पोस्ट या पद का सृजन किया गया है या किया जाता है वो आशा का किया जाता है, ओके। ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्य करती है उसे आशा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आशा कहा जाता है। एक पॉइंट और अब देखिए, दो पॉइंट जो बहुत पूछे जाते हैं। ICDS के अंतर्गत एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, लिखा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ठीक। अब जब बात करेंगे NRHM, अब इसके अंतर्गत कौन आएगा, एक आशा आती है, क्या एक आशा आती है, तो ध्यान रखिए ये सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आशा जो होती है ये 1000 जनसंख्या को कवर करती है ग्रामीण क्षेत्र में, ओके। और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है ये भी 1000 पॉपुलेशन को कवर करती है। ये दोनों पॉइंट अच्छे से लिख लें बार बार, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर निखार आएगी, ओके। तो ध्यान रखिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 1000 पॉपुलेशन को कवर करेगी, आशा भी 1000 पॉपुलेशन पर नियुक्त की जाती है। आशा किसके अंतर्गत आती है, NRHM राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, और समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कौन आता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, हिंदी में कहा जाता है ICDS का समेकित बाल विकास कार्यक्रम, ओके। क्वेश्चन नंबर आप 14 पढ़ लें, क्वेश्चन नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने हेतु कितने स्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली पाई जाती है। हाउ मेनी लेवल ऑफ द हेल्थ सिस्टम आर दी अवेलेबल टू प्रोवाइड रूरल हेल्थ सर्विस इन रूरल एरियाज, क्या होगा राइट आंसर इसका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्या त्रिस्तरीय, थर्ड लेवल या थ्री टीयर या थर्ड लेवल या थ्री लेवल, आपको ध्यान रखना तीन उसके साथ लिखा होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, रट लेना, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने हो तो कितनी स्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली पाई जाती है, तो त्रिस्तरीय मतलब थर्ड टीयर मतलब होता है लेवल या स्तर, तो ध्यान रखना आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जैसे कि आपको पता होगा
ये तीन स्तरीय होता क्या है थोड़ा समझ ले। जैसे कि एक होता है उप स्वास्थ्य केंद्र, फिर होता है प्राथमिक केंद्र, एक होता है सामुदायिक केंद्र, इनको कहा जाता है इस हिसाब से। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है हॉस्पिटल्स का। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लें आप। क्वेश्चन नंबर 15 पे दिया गया ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल हेतु देखभाल सेवा वितरण हेतु यहाँ पर त्रिस्तरीय तंत्र का सुझाव किस समिति द्वारा किया गया था। विच कमिटी सजेस्टेड अ थ्री टीयर मैकेनिज्म फॉर हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी इन रूरल एरियाज, किसके द्वारा किया गया था। यही जो तीन स्तरीय की बात कर रहे थे ना, ये क्या कहते हैं थ्री टीयर के बारे में या थ्री लेवल के बारे में, इसकी जो इसका जो सुझाव दिया था ऑप्शन डी पे मेंशन है, श्रीवास्तव समिति ने दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 16 पे पूछा गया है राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की प्रबंधन चरण में आवश्यक वस्तुओं सॉरी आवश्यक व्यवस्थाओं का अध्ययन करने हेतु कौन सी समिति का गठन किया गया था। विच कमिटी वाज फॉर्म टू स्टडी द नेसेसरी अरेंजमेंट इन द मैनेजमेंट फेज ऑफ द नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया एग्जाम्स में। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका ऑप्शन सी इसका सही होगा, चड्डी चड्डा। ठीक है, तो ध्यान रखिए आपसे चड्ढा कमिटी थी राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की जो प्रबंधन में आवश्यक व्यवस्थाओं का जो मैनेजमेंट किया गया था उस कमेटी के द्वारा किया गया था, ये चड्ढा कमेटी थी। ठीक है, तो ध्यान रखिए चड्ढा चड्डी कमेटी थी। ओके, अभी ये कब बनी थी फॉर्म्ड हुई थी तो ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में 1963 में 1963 में। ओके, याद रखना ये बात, मलेरिया वाला जो रिलेटेड समिति है वो चड्ढा है। ठीक है, तो चड्ढा चड्डी याद रखना अपना अपने हिसाब से 1963 में ये फॉर्म्ड की गई थी, बनाई गई थी। कुछ बातें मेंशन इससे पढ़ लें आप। दिस कमिटी वाज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द डॉक्टर द एम एस चड्ढा, पूरा नाम एम एस चड्ढा है। ठीक है, इनका बहुत बड़ा नाम है इसलिए आप एम एस चड्ढा ध्यान रखने हैं, चड्ढा याद रखना। ठीक है, द दिन डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विस टू द एडवाइस अबाउट द नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर द मेंटेनेंस फेज ऑफ द नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम। ओके, आप इतना समझ ले कि नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम जो था वो किसके अंतर्गत स्टार्ट किया गया था, कौन सी समिति या कमेटी बनाई गई थी, वो चड्ढा कमेटी थी। कब बनाई गई थी, 1963। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका रिलेशन किससे रिलेटेड किससे, तो आप ध्यान रखें मलेरिया से फॉर्म्ड कब की गई थी, बनाई कब गई थी, इस्टेब्लिश कब की थी, फाउंडेड ईयर क्या था, 1963 था क्या, 1963। क्वेश्चन नंबर आप 17 पढ़ लें। 17 पे दिया गया आशा कार्यकर्ता किस स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करती है। देख लीजिए यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अंडर विच हेल्थ प्रोग्राम डज आशा वर्कर वर्क। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, अभी बताया था ऊपर। ओके, आशा जो कार्यकर्ता होती है ये किस स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत काम करती है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, और ICDS के अंतर्गत कौन होती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है। ओके, अब जब भी क्वेश्चन होंगे तो हम उसे कंफ्यूजन में पढ़ाएंगे, जो भी अक्सर पूछे जाते हैं लोगों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। ओके, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, पढ़ लें क्वेश्चन फिर अपना आंसर लिख लें। ओके, क्वेश्चन नंबर है 18 आपकी स्क्रीन पर, पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, मोस्टली सभी लोगों ने इसके आंसर सही दिए थे। ओके, जिनके भी गलत हो वो देख लें यहाँ पर, और जिनके सही भी हों वो भी देख लें। श्वसन केंद्र रेस्पायरेटरी सेंटर निम्न में से कहाँ स्थित होता है, वेयर इज द रेस्पायरेटरी सेंटर लोकेटेड, क्या होगा राइट आंसर इसका। सभी ने आंसर सही दिया था, लगभग जितने विद्वान थे सभी ने, महिलाओं ने, विद्वताओं ने, महापुरुषों ने, सभी के आंसर सही थे, मेडुला ऑब्लोगाटा। ठीक है, ये जो श्वसन केंद्र होता है कहाँ स्थित होता है, मेडुला ऑब्लोगाटा, या इसी से रेगुलेशन होता है, कंट्रोल किया जाता है। ओके, अब पॉइंट जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सभी समझ ले आप। ओके, हिंदी में लिखना चाहे हम इंग्लिश हिंदी बोलेंगे उसका लिख लेना। ओके, मेडुला ऑब्लोगाटा इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ये क्या होता है आपके ब्रेन के नीचे यहाँ पर स्थित होता है मेडुला ऑब्लोगाटा। ठीक है, यहाँ पर ओके इस जगह ऊपर पोन्स होता है, यहाँ पर मेडुला ऑब्लोगाटा होता है, ये क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड होता है या वर्टेब्री होता है। ठीक है, इस तरह आप समझ लें, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। फिर लिखा है यहाँ पर वेयर द ब्रेन स्टेम कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पर जो ब्रेन स्टेम होता है ये कनेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड से, यहाँ पर ये होगा क्या मेडुला ऑब्लोगाटा, जिसका कार्य क्या होता है, ये कार्य होते हैं, अभी इन्हें डिटेल में समझ लेंगे आप। फिर लिखा है यहाँ पर इट प्लेज एन एसेंशियल रोल इन पासिंग द मैसेज
बिटवीन स्पाइनल कार्ड एंड ब्रेन, ये मैसेज का आदान प्रदान करता है स्पाइनल कार्ड और ब्रेन के माध्यम से, ठीक है। ये ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है। कई बार पूछा जाता है क्या ये ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है, हाँ ये हिंड ब्रेन का भी पार्ट होता है। हिंड ब्रेन का मतलब होता है पिछला वाला ब्रेन, मतलब पश्च, हिंदी में कहा जाता है पक्ष, मतलब होता है पिछला ब्रेन, ठीक है। तो इसमें पोन्स आता है, सेली ब्लम आता है और ये मिडल ऑब्लोगांटा आता है, ये इसके अंतर्गत आता है हिंड ब्रेन के अंतर्गत, ओके। तो ध्यान रखना इसका कार्य होता है मैसेज का आदान प्रदान करना, कनेक्टिंग करता है स्पाइनल कार्ड को ब्रेन स्टेम से, ओके। ये निचला पार्ट होता है। अब यहाँ पर देख ले जो पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं कि जो रेस्पायरेटरी होता है मतलब श्वसन केंद्र, ठीक है, इसका जो कंट्रोलिंग रेगुलेशन करता है कौन करता है, मेडुला करता है, मेडुला ऑब्लोगाटा करता है, ठीक है। वोमिटिंग को कंट्रोल कौन करता है, ये मस्तिष्क के भाग हैं, ठीक है, मेडुला ऑब्लोगाटा करता है। क्वेश्चन कार्डियक का जो श्वसन क्या नाम हृदय की धड़कन होती है इसको कौन नियंत्रित करता है, आप बताया गया मेडुला ऑब्लोगाटा करता है। क्वेश्चन जैसे जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर कई क्वेश्चन बनते हैं, ओके, अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं अलग अलग विभाग में अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो ध्यान रखिए बीपी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित या रेगुलेशन या कंट्रोलिंग करता है मिडलो ऑब्लोगाटा, ओके। और यहाँ पर लिखा है हार्ट रेट, हार्ट रेट को भी ये लिखा है वैसोमीटर सेंटर रेगुलेटिंग द हार्ट रेट और ब्रीथिंग रेट, इनका भी जो रेगुलेशन करता है कंट्रोल करता है मिडलो ऑब्लोगाटा करता है। जितने भी पॉइंट बताए ये सभी इंपॉर्टेंट थे, यहाँ से कम 8-10 क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम्स में, ओके। और पूछे भी कई बार गए हैं ये रेलवे SSC और भी कई गैरा वगैरह एग्जाम्स में भी पूछे गए, ओके। क्वेश्चन नंबर आप 19 पढ़ लें, ये आपके लिए स्पेशल रखा है हमने और कई बार बताया भी है। निम्न में से कौन सा हेपेटाइटिस सीरम हेपेटाइटिस भी कहलाता है, ये हेपेटाइटिस का टाइप होता है जिसे सीरम हेपेटाइटिस कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस इज आल्सो कॉल्ड दी सीरम हेपेटाइटिस, क्या होगा राइट आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सभी लोग कोशिश करें इस आंसर को बताने के लिए, ठीक है। ये एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, लास्ट में जब भी क्वेश्चन देते हैं ना वो एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, तो सभी लोग जरूर कोशिश किया करें। और हाँ, चैनल पर नए इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। और एक बात का ध्यान रखें, जिनका MPNHM या MPCHU का एग्जाम्स है अभी 1 घंटे बाद MPGK अपलोड होगी आपके लिए, ठीक है। MPNHM या MPCHO MP के लिए स्पेशल जनसंख्या जनांकी या डेमोग्राफी जो भी क्वेश्चन स्पेशल हैं आपके लिए वो आएंगे, ठीक है। उस पर MPGK होगी, MPK खासकर जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे, अभी 1-2 घंटे बाद वो क्लास लगेगी, ठीक है। तो सभी लोग इस क्लास को देखने के बाद अभी ज़रूर अपडेट रहें और ध्यान दें, अभी वो अपलोड होगी, ठीक है, और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और उसमें भारत का भी जो क्वेश्चन होंगे जहां से उठाए जाते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, तो इसलिए सभी लोग ज़रूर देखें, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और हाँ, चैनल पर नए से सब्सक्राइब कर लेना और हमारे दूसरे चैनल्स को भी जाके थोड़ा सपोर्ट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स दोनों जगह लिंक दे देंगे, ओके, क्योंकि वहां पर हम डेली GK अपलोड करते हैं, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।